ये क्या है, इतना सिंपल? ये बात पक्की है कि ये रिश्ता अब नहीं होगा। हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते, ये रिश्ता मत तोड़िए। लेकिन कल सब कुछ हमारे हिसाब से होना चाहिए। अपने परिवार के लिए तुम इतना नीचे झुक सकती हो, इतना नीचे झुक सकती हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं। I hate you. निशा, निशा दरवाजा खोल। हम बात करते हैं ना निशा? निशा, माँ। अरे निशा, मैं किसी की बात नहीं सुननी है, सब चले जाइए यहाँ से। अरे हम मर जाएंगे माँ, आपकी कसम खा के कह रहे हैं मर जाएंगे। निशा बाहर आओ, सब शादी करनी है। निशा कैसी बात है, पागल हो गई क्या? मम्मा पापा, निशा सुन, निशा ये सब मत कर, सुन ना, कुछ ठीक नहीं होने वाला है। अरे बाबू कुछ भी, कैसी बातें कर रही है, पागल हो गई क्या? निशा मम्मा पापा, हम बात करते हैं। निशा चुप ही रहिए थी, ये सब आपकी वजह से हुआ है, ये सारा तमाशा आप ही ने तो किया है। हमारी शादी, हमारा घर सब बर्बाद कर दिया आपने। नितिन पानी लेकर आओ। निशा बाबू बैठो, निशा बैठो, निशा तुम ठीक हो ना? तुम पागल हो क्या जो जहर खाने जा रही थी? पानी पियो। क्या करने जा रही थी निशा तुम? क्यों मैं ना? हाँ मैं ना, सब ठीक, सब तुम्हारी वजह से हो रहा। ठीक तो कह रही हूँ, एक तो इसकी शादी तुड़वा दी, ऊपर से अशोक को बुला ली, इज्जत उतारने के लिए नाक कटवा दी हम सबका। अरे इसे काहे कोस रही हो तुम? इसकी नौकरी की वजह से तो ये घर चल रहा है, इसकी नौकरी की वजह से इसकी शादी हो रही है। तो नौकरी और एहसान का बदला लेगी क्या? अगर हमको पता होता कि इसकी वजह से आज हमको ये दिन देखना पड़ेगा, तो हम कब का काम कर लेते, एक भी एहसान नहीं लेते। वाह जानकी जी, बहुत बढ़िया काम किए आप तो, इसका शादी तोड़वा के एकदम मजा आ गया। आप हमको गलत समझिए, हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, हम बस आपको आप थोड़ा सा भरोसा तो करिए ना हम पे। सुन, अगर तुझको ये लगता है ना कि हमारी वजह से शादी टूट रही है, तेरी नहीं होगा ऐसा, तेरा रिश्ता हम नहीं टूटने देंगे, तेरी शादी कृषु से ही होगी, हम करवाएंगे, हम कुछ भी करेंगे, हम कुछ भी करेंगे, पर तेरा रिश्ता नहीं टूटेगा। हाँ नहीं बाबू, हम है ना, हम सब ठीक कर, छूना नहीं इसको। हमारी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, इतना खर्चा कर चुके हैं हम, उसके बाद फिर से नए तोहफे, नई अंगूठी, मतलब कैसे करेंगे हम, कहाँ से खरीदेंगे? पापा हमारी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पहली ऑफिस से इतना लोन ले चुके हैं, अब तो वो लोग देंगे भी नहीं, और अगर बैंक से पर्सनल लोन लिया तो उसका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा होता है कि भर नहीं पाएंगे, तो मतलब कैसे मैनेज करें? कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है पापा। हमारे पास है एक रास्ता। माँ तो बताइए ना क्या रास्ता है, कैसे मैनेज कर सकते हैं? सोच लो, बाद में मुकर मत जाना। माँ इसमें सोचने जैसा क्या है, निशा की शादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है हमारे लिए, बताइए ना क्या रास्ता है। ये? जानते जानकी की माँ के गहने, हम भी तो इसकी माँ हैं। जब से इस घर में आए हैं शादी करके, तब से जानकी को अपने बच्चे की तरह पाले हैं। निशा और जानकी में कोई फर्क नहीं किया, तो आज हम भी ये देखना चाहते हैं कि जानकी अपनी सगी माँ और हम में कितना फर्क करती है। बोलो जानकी, ये सब गहने हमको दोगी? पागल तो नहीं हो गई हो? अच्छी तरह से जानती हो जानकी की मां ने जानकी की शादी के लिए बनवाया है, हम इसे बेचेंगे नहीं। सुन लिया, जरूरत पड़ी तो निशा के ससुराल वाले के सामने पैर पकड़ लेंगे। पैर क्या पकड़ेंगे, हमारा और निशा का गला दबा दीजिए, फसाद ही खत्म। माँ कैसी बातें कर रही हैं? काहे नहीं करे, जब से इस घर में आए हैं आप दोनों के लिए हम दूसरे ही हैं, तुम्हारे लिए दूसरी माँ और आपके लिए दूसरी पत्नी। हम तो निशा और जानकी में कोई फर्क नहीं किए हैं, आप काहे करते हैं? निशा भी तो आप ही की बेटी है ना, बोलिए।
समझ गए हम, सब समझ गए। ये लो पकड़ो। हमसे भूल हो गई कि हम तुमको और तुम्हारे इन गहनों को अपना समझे। माँ कैसी बातें कर रही हैं आप, भूल तो हमसे हो गई, आपको हाँ बोलने में इतना वक्त लगा दिया। आप माँ हैं हमारी, हमारी हर चीज पर सबसे पहला अधिकार सिर्फ आपका है। जैसे प्रसाद पर भक्तों से पहले भगवान का अधिकार होता है ना, वैसे परिवार में सबसे पहले माँ का अधिकार होता है। ये मेरे कहने नहीं है, ये आपके कहने हैं। आपको जो करना है आप कर सकती हैं इनके साथ। जानकी हम तो बस तुम्हारी बहन का घर बसाना चाहते थे, बाकी हमको इससे कोई मोह माया नहीं। हम जानते हैं माँ, माँ बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम ये गहने बेच देंगे और निशा के ससुराल वालों के लिए नए गिफ्ट्स भी ले लेंगे और कृषि के लिए नई अंगूठी भी ले लेंगे, ठीक है? कल सब कुछ अच्छा होगा, वो खुश हो जाएंगे, कोई शिकायत नहीं मिलेगी आपको। आप जाइए आराम करिए। ठीक तुम कहती हो तो। ऐसी तो कुछ खास अंगूठियां नहीं लग रही हैं, कुछ अच्छी अंगूठी है क्या, थोड़ी भारी भी हो? मैडम मेरे पास बहुत सारी डिजाइन है, दिखाइए ना प्लीज। मैं भी ले आता हूँ जी। वैसे निशा दी का बस चले ना तो आपको दरभंगा से इंग्लैंड भेज दें, अंगूठी से कोई नूर लेने। इतना क्या सोच रही होगी, जो फोटो निशा दी ने भेजी उससे मिलती जुलती ले लो कोई भी, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है नितिन, क्योंकि अंगूठी कृष्णा और निशा के लिए उनकी अनमोल यादें हैं, इसलिए इनका मैच होना जरूरी है। एक सेकंड रुकिए, आपने ये फोटो देखी, क्या पता आपको आइडिया मिल जाएगा तो आप दिखा पाएंगे। आपको ऐसी अंगूठी चाहिए? हाँ है हमारे पास, तो दिखाइए ना, और थोड़ी सी महंगी भी होगी तो चलेगी। ये देखिए एकदम फोटो से मेल खाता है, दिखाइए। ये देख मैच कर रही है, कर रही है ना। भैया एक काम करिए, ये वाली दे दीजिए। भैया हमारे पास कुछ पुराने गहने हैं, उनको बेचना है, इस अंगूठी को ना उन गहनों में एडजस्ट कर दीजिए और बाकी के पैसे हमें दे दीजिए। दी एक मिनट। क्या हुआ? आज हम दोनों भाई बहन ना वो बचपन वाली डेट पे चलते हैं। बचपन वाली डेट? अपना हाथ दो। क्यों? दो ना। ले। ये रहा आपका मूड बूस्ट। चेरी बेरी? यस। ये तुम्हें बहुत पसंद है। याद है जब बचपन में आपका मूड ऑफ होता था तो फिर आप चुपचाप जाके चेरी बेरी खाते थे और आपको मूड एकदम सही हो जाता था। क्या बात है, तुझे भी याद है। पर कहाँ से खरीदा? आप आम खाओ ना यार, गुटले क्यों गिनते हो? वैसे नए फोन आ गए, नए एयरपोर्ट्स भी आ गए, उसके बाद चेरी बेरी तो बनता है ना। अच्छा इसकी वजह से ये चेरी बेरी मिला है हमें। थैंक यू।